अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको हदीस का तारुफ बयान किया था मुख्तसर सा। आज से हम मुंतखब अहादीस जो आपके कोर्स का हिस्सा है सिलेबस का, ये 10 अहादीस हैं, इन पर हम लेक्चर देंगे। इसमें 2 या 3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। हदीस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हदीस के 2 हिस्से होते हैं, एक सनद और एक मतन। सनद किसे कहते हैं? अक्सर आपने अहदीस के शुरू में कुछ रावियों के नाम पढ़े हैं, ठीक है ना, जिसमें रावियों के नाम के फलाने फलां से फलाने फलां से फलाने फलां से रिवायत किया। अब इस तरह ये रावियों के जो नाम होते हैं इनको हदीस की सनद कहा जाता है, यानी रावियों की चेन को जो वो रावी हम तक हदीस पहुँचाते हैं कि फलाने फलां से सुना फलाने फलां से सुना, यानी हमेशा तबा ताबी ताबी से रिवायत करता है, ताबी सहाबी से रिवायत करता है, और सहाबी ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है वो पाक रिवायत करता है, ठीक है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल। तो ये एक चेन बन जाती है, इस चेन को सनद कहा जाता है, यानी रावियों के जिक्र को सनद कहा जाता है। और मतन वो खास अल्फाज होते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल होते हैं, इरशाद करता होता है, ठीक है ना, उस हिस्से को मतन कहा जाता है। किसी भी इबारत, उर्दू की भी कोई इबारत होगी जो खास राइटर ने खुद लिखी होगी उसको मतन कहा जाता है, लिहाजा ये सनद और मतन आपके लिए जानना ज़रूरी है। जो हदीस के शुरू में उमूमन नाम आते हैं रावियों के उनको सनद कहा जाता है, जो असल अल्फाज होते हैं हदीस के सनद के यानी अल्फाज हो गए उनको हम मतन कहेंगे। पहली हदीस मुबारक हम शुरू करते हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसका तर्जुमा तशरीह करते हैं। ये है माल के मसारे बयान किए गए इस हदीस में। फरमाया गया अन अंस बिन मालिक काला अतार जुलुमिन तमी इला रसूलिल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और इस हदीस को रिवायत किया है हज़रत अंस बिन मालिक। हज़रत अंस बिन मालिक से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया बनू तमीम का। फ़काला रसूलल्लाह, और उसने कहा ए अल्लाह के रसूल इन्नी ज़ू मालुन कसीर, मैं मालदार हूँ, ज़्यादा मालदार आदमी हूँ, यानी मेरे पास माल ज़्यादा है। वज़ा अहलिन, और औलाद भी ज़्यादा है। व माल महाजरातिन, और माल मवेशी भी तादाद में कसीर है, कसीर तादाद में माल मवेशी का भी मालिक हूँ। फा अखबिरनी कैफा असनाऊ, मुझे खबर दीजिए कि मैं क्या करूँ। व कैफा अनफिकू, और किस तरह खर्च करूँ, मुझे खबर दीजिए मैं क्या करूं और किस तरह खर्च करूं। फ़काला रसूलिल्लाह, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुखरिजु ज़कात, इससे ज़कात निकालो, मिन मालिका, अपने माल में से ज़कात निकालो। फ़इन्नहा तुहरातुन, तो ये पाक कर देगी इसे, तो तहिरो का, और तुझे भी, तो ये ज़कात पाक कर देगी तेरे माल को भी और तुझे भी। वता सेलो अक्रबा आका, और अपने अक्रबा को जोड़ो, बता सिलो जोड़ो, अपने अक्रबा के साथ जोड़ो। व तारिफ हक़ुल मिस्कीन, और पहचानो मिस्कीन का हक। व जारे व साइल, और हमसाए और साइल का हक, ठीक है ना। हदीस मुबारक है कि हज़रत अंस बिन मालिक फरमाते हैं या रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स बनी तमीम का आया और उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मेरे पास माल भी कसीर है, औलाद भी ज़्यादा है, और माल मवेशी भी काफ़ी तादाद में मौजूद है, जानवर वगैरह ना मवेशी माल ये भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ और कैसे इस माल को ख़र्च करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माल से ज़कात निकालो, ठीक है ना, ज़कात निकालो, ज़कात तुम्हारे माल को भी पाक कर देगी और तुझे भी पाक कर देगी, तुम्हारे माल को पाक कर देगी ये तो समझ आता है, तुझे भी पाक कर देगी, इसका क्या मतलब है आप मुझे बताएं। माल पर ज़कात कुरान में भी फ़र्ज़ की गई है, कुरान में इसके नसाब भी बताया गया है कि कितने माल पर एक साल के अरसे में ज़कात फ़र्ज़ होती है और किन किन को ये ज़कात देनी है, वो मसारिफ़ भी बता दिए गए हैं। 8 मसारिफ़ हैं, फ़ुक़रा मिस्कीन ज़रूरतमंद कर्ज़दार साइल और फ़ी सबीलिल्लाह और आमिलीन ज़कात वगैरह, ये मौलफतुल क़ुलूब 8 मसारिफ़ हैं जिनको हमें ज़कात देनी है, उनका भी ज़िक्र कुरान में हमें वाज़ह तौर पर मिलता है।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनको फरमाया कि एक तो माल की ज़कात अदा करो, इससे वो तुम्हारे माल को भी और तुम्हारे दिल को भी पाक कर देगी, दिल को उस हसद लालच और हिर्स से पाक कर देगी जो हम पैसे से मोहब्बत रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे पास जमा हो। ये हिर्स लालच और तमा जो है ना, ये बीमारी, इससे हमारे दिल को ज़कात पाक कर देगी जब वो हम अल्लाह की राह में अपना माल निकाल देंगे, क्योंकि इंसान माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है। इसलिए जब वो अल्लाह से खर्च करेगा, अल्लाह की राह में खर्च करेगा, तो ये उसका सबूत होगा कि मैं अपने माल से भी ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करूँगा, लिहाजा वो उसके दिल को भी पाक कर देगी। फिर आगे फरमाया कि अक्रबा के साथ अपना रिश्ता जोड़ो, अक्रबा रिश्तेदारों के साथ अपना ताल्लुक जोड़ो, सिले रहमी इसको कहा जाता है, इसका बहुत ज़्यादा अजर है। अल्लाह ताला ने भी कुरान में जगह जगह इसकी फजीलत बयान की है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका बारहा हुक्म दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तेदार पर माल खर्च करने का दोहरा अजर है, एक तो सदके का और दूसरा रिश्तेदारी के हक़ को अदा करने का, ठीक है ना। लिहाजा माल को रिश्तेदारों के साथ जोड़ो प्यार मोहब्बत में, यानी उनके पास जाओ तो तोहफे तहाइफ लेकर जाओ, वो ज़रूरतमंद हैं तो उनका ख्याल रखो, उनकी ज़रूरत को पूरा करो, उन पर एहसान करो, उनको अता करो अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दे रखा। इसी तरह आगे फरमाया कि पहचानो हक मिस्कीन का, हमसाए का और साए का। मिस्कीन कहते हैं जो मांगते नहीं हैं, सफ़ैद पोश लोग, ठीक है ना, लेकिन उनके हालात से, उनके चेहरे से आपको साफ पता चल जाता है कि बहुत ज़रूरतमंद हैं और बड़ी कसम कुर्सी की हालत में अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। लिहाजा इनके हक़ को पहचानो और उनकी ज़रूरत को पूरा करो अपने माल से। फिर हमसाए का हक बहुत ज़्यादा है, आगे तो दो तीन अहदीसें हमसाए के हक़ पर हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह उस वक्त डिस्कस कर दूँगी। और साइल का हक, साइल कहते हैं मांगने वाले, ठीक है ना, जो फ़कीर आते हैं आपके पास मांगने के लिए, बस इनमें कोशिश करनी चाहिए कि पहचान करें कि वो प्रोफेशनल ना हों, बाकी ज़रूरतमंद, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल होंगे तो वो ज़रूरतमंदों का हक भी मार जाते हैं, इससे फिर हमें ज़रूरतमंद की पहचान नहीं होती कि बाकी में कौन ज़रूरतमंद है जिसके लिए हमने मदद करनी है। लिहाजा फ़कीरों का हक भी पहचानना चाहिए। फिर इसमें ये फरमाया गया कि अगर आपको शक है कि वो ज़रूरतमंद नहीं है, प्रोफेशनल है या नशई है, तो उसके लिए क्या है कि आप भले तरीके से उसको जवाब दें, लड़ाई झगड़ा ना करें, इनकार ना करें, गुस्से ना करें, बस भले तरीके से माजरत कर दें, ठीक है ना। लिहाजा कुरान में भी और हदीस मुबारक में भी फरमाया गया, कुरान में वाज़ेह अहकाम है कि उनके माल में सवाल करने वाले और महरूम का भी हक है। ये भी आयत इसी तरफ इशारा करती है कि सवाल करने वाले यानी साइल को भी उसका हक दिया जाए। ये थी पहली हदीस जिसका तर्जुमा तशरीह हमने किया। दूसरी हदीस में मुबारका सात गुनाहों से बचने का हुक्म है। पढ़ते हैं जी हदीस। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला अज तानिबुस सबआ, के बचो सात गुनाहों से, मोबिकात, सात मोहलिक तरीन गुनाहों से, अजतानी को सवा मोबिका, सात मोहलिक तरीन गुनाहों से बचो। कालू या रसूलल्लाह वमा हुन्ना, लोगों ने कहा या रसूलल्लाह वो कौन से हैं, वो क्या हैं सात गुना। आपने फरमाया, जरा गौर से सुने, पहला कौन सा गुना, काला उशरकू, अशरक बिल्लाही, अल्लाह के साथ शिर्क करने से बचो। पहला जो अजीम तरीन गुनाह है वो शिर्क, पहला गुनाह है शिर्क, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बचो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने से। ये मोहलिक तरीन गुनाहों का जिक्र हो रहा है, यानी कबीरा गुनाहों का जिक्र, ठीक है ना। तो पहला तरीन गुनाह जो जिक्र किया गया वो है अशरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करने से, व सहरु और जादू करने से। कितना बड़ा दूसरे नंबर पर इस गुनाह को लेकर आए हैं, जादू करने का। वक़्तलु नफ्स, और किसी जान को कत्ल करने से, अल्लती हर्रमुल्लाह इल्ला बिल हक, जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, ऐसे किसी भी जान को कत्ल करने से रोका है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया गया कि जादू करने से, पहला है अल्लाह के साथ शिर्क करने से, फिर जादू करने से, फिर कत्ल करने से किसी जान को जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया मगर सिवाय हक। आगे फरमाया वक़्लुल रिबा, और सूद खाने से बचो। अगला बड़ा गुना सूद खाना। उससे आगे फरमाया वक़्लु मालल यतीम, और यतीम का माल खाने से, इससे भी बचो, यतीम का माल खाने से।
वतवल्ला यौमल ज़ुहफ़े, और जंग के दिन भाग दे सके, ठीक है ना, जंग वाले दिन पीट पीट कर भाग न सके, भी मोहलिक तरीन गुनाह है, इससे बचो। आगे फरमाया वक़्ज़फ़ुल, हाँ वक़्ज़फ़ुल मुहसिनातुल ग़ाफ़िलातुल मोमिनात, और तोहमत लगाने से, पाक दामन गोली भाई मोमिन औरतों पर तोहमत लगाने से बचो। ये सात मुहलिक तरीन गुनाहों के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि इनसे बचो। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सात मुहलिक तरीन गुनाहों से बचो। लोगों ने फरमाया या रसूलल्लाह वो कौन से हैं, वो कौन से गुनाह हैं जिनसे आपने हमें हुक्म दिया कि बचो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहला गुनाह जो शिर्क अज़ीम भी है, जिसे अल्लाह ताला ने शिर्क ज़ुल्म अज़ीम करार दिया, वो है अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, किसी भी चीज़ को बुत चरेंद परेंद आग सूरज चांद सितारे, क्योंकि पहले के लोग तो इन सब की भी परस्तिश और पूजा करते थे, अब भी दुनिया में करते हैं, दरख्तों की जानवरों की बुतों की, या फिर किसी ओहदे पर फाइज इंसान की मज़ारों की वलियों की, तो किसी को भी अल्लाह के साथ शरीक मत ठहरा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा जुल्म करार दिया जो शिर्क करार दिया, अल्लाह ताला ने भी सबसे बड़ा जुल्म शिर्क करार दिया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने। लिहाजा पहले नंबर पर ये मोहलिक तरीन गुनाह है। दूसरा है जादू करना, जादू एक दूसरे पर जो नफाक के लिए लोग जादू करते हैं, टोने करते हैं, तवीज़ दिलवाते हैं, पता नहीं कीलें ठुकवाते हैं, तरह तरह की जो काला इल्म है ये करवाते हैं, ठीक है ना, तो हम इसको बड़ा मामूली समझते हैं कि ये बच्चा रो रहा है तो इस पर तवीज़ करा लें, ये बच्चा पढ़ नहीं रहा तो इस पर तवीज़ करा लें, तो ये हमारे घर में बरकतें नहीं हैं तो इस पर तवीज़ करा लें, हमें लगता है कोई बंदिश है इसकी शादी नहीं हो रही तो तवीज़ करा लें, इस पर कोई जादू हुआ है तो तवीज़ करा लें, तो इसको काम रोज़गार नहीं मिलता, किसी काम में बरकत नहीं है, कोई रोज़गार शुरू करता है तो वो चलता नहीं है तो तवीज़ जादू करा लें, नहीं, ये सब क्या है, ये भी शिर्क है, ये भी मुहलिक तरीन गुनाहों में शामिल है, ठीक है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई धागा कोई तवीज़ नहीं बांधा था। हाँ आप पर जादू हुआ है, जादू हक है, होता है, कुरान में इसका जिक्र है, तो उसका हल भी कुरान ने बता दिया, क्या बता दिया, माउज़तैन दो आखिरी सूरतें सूरह फलक और सूरह नास, वो पढ़ें और अपने ऊपर ठूंक दें। हदीस में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी हमने पढ़ा, हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू को ज़ाहिर करने के लिए क्या काम किया था, माउज़तैन पढ़ते थे सुबह और शाम को तीन तीन दफ़ा और अपने ऊपर ठूंकते थे, क्योंकि अल्लाह ताला का ये हुक्म आया था कि आप इसको पढ़कर अपने ऊपर ठूंकें तो आप पर इतना पुरसर जादू हुआ हुआ था, तो सिर्फ ये पढ़ने से ज़ाहिर हो गए, ठीक है ना। जब कुरान ने ही हमें उसका हल दे दिया तो हमें क्या ज़रूरत है हम पीरों फ़कीरों मज़ारों पर जाएं और हज़ारों लाखों रुपए खर्च करें, खामखा कुर्बानी के बकरे और ये चीज़ें सबके मत के देते रहें, काले बकरे काली मुर्गियाँ, और अपने हज़ारों लाखों रुपए लुटाएं, जब अल्लाह ताला ने हमें उसका बेहतरीन हल दे दिया तो फिर हमें वही करना चाहिए। लिहाजा जादू करने से सख्ती से हमें मना किया गया, जादुओं के कामों में पड़ने से, इन लोगों के पास जाने से और जादू खामा खा के कराने से, क्योंकि ये लोगों में नफाक डालते हैं। कुरान में भी जिक्र है कि ये मियाँ और बीवी में जुदाइयाँ डालते हैं और ये इल्म अला इल्म करके हर तरह के बुरे काम करते हैं। हदीस में है कि इंसान को कब्र तक और जानवर को हांडी तक जादू पहुँचा दे, जादू में इतना असर है ना, लिहाजा उससे बचने की तदबीर कुरान ने हमें बता दी, हमें उस पर अमल करना चाहिए। हदीस मुबारका में वाज़े तौर पर है कि बचो जादू करने से। फिर तीसरा हुक्म है या तीसरा मोहलिक तरीन गुनाह जो बताया गया, वो किसी नफ्स को कत्ल करना है, किसी बेगुनाह को कत्ल करना। आपको पता है किसी बेगुनाह को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है, मुकरार है। खुद कुरान में आया एक जगह इरशाद है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी एक की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसी तरह फरमाया कुरान में जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी सज़ा जहन्नम है और इसमें वो हमेशा रहेगा, लिहाजा इतना सख्ती से कत्ल को मना किया गया, किसी की खामखा जान लेने मना किया। आगे फरमाया गया कि सूद खाना, इससे भी अपने आप को बचाओ, सूद बहुत बड़ा गुनाह है और इसको अल्लाह ताला ने अपने खिलाफ़ नबी और अल्लाह ने अपने खिलाफ़ जंग करार दिया है,
अल्लाह हुजूर से कुरान में इरशाद है कि अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया और सूद को हराम करार दिया है, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के मौके पर बयान फरमाया था कि मेरा गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ मिराज के मौके पर, ठीक है ना, कि उन्होंने देखा कि कुछ लोग थे जिनके पेट फूले हुए थे और इनके अंदर सांप दौड़ रहे दौड़ते हुए साफ नज़र आ रहे थे। जब आपने पूछा ये कौन लोग हैं तो जिब्रील अमीन ने बताया कि ये सूद खोर लोग हैं, ठीक है ना। तो सूद खाना भी इतना बड़ा गुनाह है। अगले गुनाह का जिक्र किया कि यतीम का माल खाने से बचो, ठीक है। यतीम जो लोग हो जाते हैं, कुरान में भी उनके लिए इरशाद है कि यतीम के माल के करीब भी मत फटको मगर भले तरीके से। ये भी हमने कुरानी आयात में पढ़ा था, अगर आपको याद हो मैंने इस बात को डिस्कस किया था। खाली यतीम के सर पर शफ़क़त से हाथ फेर देने का इतना सवाब है कि रवायत मौजूद है कि जितने हाथ के नीचे बाल आएंगे इतने नेकियों का अजर मिलेगा, ठीक है ना। यानी उनसे प्यार के साथ बोलना, उनके साथ शफ़क़त के साथ पेश आने का ही इतना ज़्यादा सवाब है। तो उनका माल खाना तो बहुत बड़े गुनाह का बाइस है, यानी वो तो अभी मासूम बच्चे हैं, नादान हैं। अगर उनका कोई माल पाक छोड़ गया है और हम वो जुल्म के साथ खा लें कि कहीं इन्हें क्या पता चलेगा, ये तो बच्चे हैं, तो ये इतना बड़ा जुल्म है, ठीक है ना। कुरान ने भी इससे मना फरमाया और हदीस मुबारक में भी इससे रोका गया है। आगे फरमाया गया, बल्कि एक हदीस मुबारक में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह मेराज के मौके पर देखा था कि कुछ लोगों ये तो कुरान की सजाया थी कि पेटों में आग भरने के मुकर आ गए, यतीम का माल खाना पेट में आग भरने के मुकर आ गए। इसी तरह छठा मुहलिक तरीन गुनाह जिसको करार दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी से मुबारक में, वो है जंग के दिन में पीठ फेर कर भाग जाना, देखें कि हमें शिकस्त हो रही है तो मुसलमानों का साथ छोड़कर भाग जाए, पीठ फेर कर भाग जाए, क्योंकि जंग का मकसद ही या तो फतह है या शहीद या गाजी, यानी या तो शहीद हो जाएं अपने आप को लड़ते लड़ते मरवा डालें या फिर गाजी हो जाएं जीत कर वापस, बस और कोई राह नहीं जाएंगे जाने के बाद। लिहाजा जो मुँह या पीठ फीर कर वापस आते हैं वो भी मुहलिक तरीन गुनाहों में शामिल है। अगला आखिरी गुनाह जिसका जिक्र किया गया है वो है तोहमत लगाना, किसी भी पाक दामन भोली भाली मासूम औरत पर तोहमत लगाना कि ये फलां तो ऐसी है, और हम कितने आसानी से किसी के किरदार पर भी बात कर देते हैं, हालांकि ये मोहलिक तहरीन गुनाहों में शामिल है। सिर्फ हदीस मुबारक में ही नहीं कुरान में भी इसको कज़ब पर हद कायम की गई है, 80 कौड़ों की सज़ा है, आपको पता है कुरान में भी इस पर हद कायम है। लिहाजा ये मोहलिक तहरीन गुनाह है, कबीरा गुनाहों में शामिल है, जो हम किसी के किरदार पर बात कर देते हैं। इसके साथ कबीरा तरीन गुनाह जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में हमें हुक्म दिया कि इंसाफ ना करने के गुनाहों से बचो। अगली हदीस मुबारक पर आते हैं, तीसरे नंबर पे है अहलो अयाल पर खर्च करने के बारे में। यह हदीस मुबारक है हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। अन सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौला रसूलुल्लाह जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, उनसे रिवायत है काला अफजलुद्दीनार के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजर व सवाब के लिहाज से बड़ा हुआ दिनार वो है युनफिकुर रिजाला जो कि आदमी खर्च करे दिनार युनफिकुहू अला अयालिही जो अपने अहलो अयाल पर खर्च करे, यानी सवाब और अजर में बड़ा हुआ दिनार सबसे ज़्यादा वो है जो बंदा अपने अहलो अयाल पर खर्च करे, बाल बच्चों पर खर्च करता है। दूसरे नंबर पर या युनफिकुहु अला फरासिही दूसरे नंबर पर अजर सवाब में बड़ा हुआ दिनार या पैसा वो है जो बंदा अपने घोड़े पर खर्च करे फी सबीलिल्लाह, वो घोड़ा जो अल्लाह की राह में जाकर लड़ता हो जंग करता हो। लेकिन उस वक़्त तो घोड़े और ऊँट ही होते थे जंग में जाने के लिए, तो दूसरे नंबर पर यानी जंगी तैयारी के लिए जो आप पैसा खर्च करें वो अफसर तहनी सकते में शामिल होगा। इसी तरह तीसरे नंबर पर आ गया युनफिकुहू अला असहाबिही फी सबीलिल्लाह, तीसरे नंबर पर बड़ा हुआ दिनार अजर व सवाब में वो होगा जो बंदा खर्च करे अपने असहाब पर साथियों पर अल्लाह की राह में जाकर। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दिनारों का जिक्र किया,
जिनमें यानी तीन माल समझ लिए, आज के जुबान में हम माल कहेंगे कि माल का खर्च का जिक्र किया कि वो अजर सवाब में जो पड़े हुए हैं सबसे ज़्यादा अजर रखते हैं वो माल ये हैं कि पहले तो बंदा अपने अहलो आयात का खर्च, ये अफजल तरीन खर्चा होगा। यानी अब अगर हम इस काबिल हो जाते हैं कि अपने बाल बच्चों को हम पाल रहे हैं, उनका खर्च कर रहे हैं, तो ये हमें अफजल तरीन खर्चा है कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहा है, ठीक है ना। ये सवाब का बायस है कि हम कमा रहे हैं और अपने आल औलाद पर उसको खर्च कर रहे हैं। यह अफजल तरीन दिनार करा पाएगा, अफजल तरीन माल करा पाएगा, सबका करा पाएगा। इसी तरह दूसरे नंबर पर सबका खैरात में अफजल तरीन माल जो होगा वो होगा कि जंग तैयारी के लिए जो हम माल खर्च करें। उस वक्त चूँकि घोड़े होते थे, ऊँट होते थे, इसलिए मैं भी सोचने में फरमाया ऊँट पर अपने सॉरी घोड़ों पर हम उनको सेहतमंद रखने के लिए खिलाने पिलाने पर जो तुम खर्चा करो कि जंग में तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें ले जाएंगे और वहाँ जाएंगे। तो ज़ाहिर है एक माल तसव्वुर किया जाता है घोड़े में जो जंग शामिल होते हैं, लिहाजा अफजल तरीन माल ये है दूसरे नंबर पर। तीसरा माल वो है जो अपने असहाब पर अपने साथियों पर खर्च किया जाए जो जंग में शरीक होते हैं, यानी उनकी तलवार में ज़रा खाने के लिए रसद जो हम पहुँचाएँ पहुँचा सकते हैं या उस वक्त सहाबा कराम जो पहुँचाते थे वो भी अफजल तरीन माल में शामिल था। इसी अहदीस को आगे कोट करते हैं अबू कलाबा, कहते हैं खालू अबू कलाबा यानी अबू कलाबा ने कहा बदाम बिल अयाल कि शुरू हुआ बच्चों पर खर्च करने से, सुम्मा काला अबू कलाबा फिर अबू कलाबा ने कहा अय्यर जालिम आज़म अजरा ऐसे शख्स से बड़ा सवाब भी कौन होगा, मिन रिजाल यनफिकुल अय्याल ही से गारे जो बंदा अपना माल अपने अयाल पर खर्च करे या बच्चों पर खर्च करे जो छोटे हैं, इसलिए खर्च करे जो एक हमला हो कि महफूज करे अल्लाह इनको भी इससे योग नहीं, यानी बेनियाज कर दे कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए। अगर बंदा अपने बच्चों पर इस वजह से खर्च करता है कि मेरे बच्चे बच्चों की तमाम ज़रूरियात मैं पूरी कर दूँ ताकि इनको किसी चीज़ को तो किसी दूसरे के आगे हाथ न फैलाना पड़े, तो इससे ज़्यादा जनमाला कौन हो सकता है, कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी कला बने इसी हदीस को आगे यूँ बयान किया कि इस आदमी से बढ़कर सवाब का मुस्तहिक और कौन हो सकता है जो अपने छोटे बच्चों पर खर्च करता है जिसके नतीजे में वो भीख मांगने और दूसरों के दरवाजे पर जाने से बच जाए। ये थी तीसरे हदीस मुबारक। अगले दो लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं अहदीस चैप्टर को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।